अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक केकड़ा मसाला बनाने की रेसिपी। आप इस तरह से केकड़ा मसाला एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे केकड़ा मसाला बोल सकते हैं, केकड़ा की कड़ी बोल सकते हैं, क्रैब कड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस तरह से हमने ये केकड़े लिए। अभी हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने नारियल लिया है, टमाटर लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा लिया है, सौंफ लिया है और लहसुन लिया है और थोड़ी सी अदरक लिए। इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और पीस लेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। एक प्याज लिए जिसे हमने बारीक से चॉप कर लिया, इसे डालेंगे। इसे सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डालेंगे और हमने जो मसाला पीस लिया उसे हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। आपको इसके अंदर जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप नारियल टमाटर का यूज़ करें। और इसके अंदर हम लाल मसाला डालेंगे 2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और मसाले को एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे। जिस मिक्सर में हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने खिचड़े को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम खिचड़े डालेंगे। खिचड़े को अच्छी तरह से हमने साफ़ करके धो लिया था। अभी आपको इसके अंदर जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और इसे अभी हम ढक के सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप पका सकते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे केकड़े अच्छी तरह से पक चुके हैं। और आपको अगर इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। और गरम मसाला डालेंगे और एक बार मिक्स करेंगे और इसका गैस बंद करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे चावल की रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ सर्व करें या आपको जिसके साथ इसे सर्व करना है उसके साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही डिलीशियस बने। तो इस तरह से आप एक बार केकड़ा मसाला ज़रूर ट्राई करें। आपके पास जिस तरह के खिचड़े होंगे वो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था तो हमने यहाँ पे चाट कटोरी बनाई थी और समोसे बनाए थे। तो शाम के टाइम पे बहुत ही चटपटा खाने का मन किस किस का करता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने चाट कटोरी बनाई, समोसे बनाए, हमने चाट कटोरी की रेसिपी भी डाल दी है और समोसे की भी। आप भी जाके बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाना बताया है। और यहाँ पे हमने साबूदाना के पापड़ फ्राई किए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे हमने डिनर में चिल्ली राइस मंगाया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।